हनान का हुक एंड एवरीथिंग बहुत बढ़िया साउंड कर रहा है तो बाकी सारी बातें बाद में लेट्स सी कि क्या ये लोग वीडियो को जस्टिफाई कर पाए हैं जिस हिसाब से ये गाना था। तो बेटा हेडफोन जरा आप रिकॉर्ड हो जाओ। ओह यस, सो 3 2 1 हियर वी गो। दिल जला के भी क्यों यार, ये तो बहुत बढ़िया काम करा यार इन लोगों ने इस टाइप का, इस गाने का ऐसा वीडियो बनाया है क्या? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इस, जैसे वो आजकल तो ऐसे वीडियो बहुत चलते हैं ना यार कि आर्टिस्ट का क्लोजअप शॉट ले लो, दे आर सिंगिंग ऑन दिस दैट करके, मुझे लगा उस टाइप का वीडियो होगा, लेकिन ये तो मुझे थोड़ा ओल्ड स्कूल 90s पॉप सॉन्ग्स के याद दिला रहा है। जैसे कि वो गाना था ना, आंखों में तेरा ही चेहरा, नहीं देखा ना? नहीं, अबे उसका वीडियो देखना है ना, और छुई मुई सी तुम लगती हो, तो उन सब वीडियो, उन सब गानों में 90s के पॉप, इंडिपेंडेंट पॉप सॉन्ग्स में अपने वीडियो चल रहे होते थे, एंड वैसा वीडियो बनाया है। नाइस, अब इंटरेस्टिंग लग रहा है। Let's see. दिल जला के भी क्यों रूठना जरूरी, सहता मैं रहूं मेरी मजबूरी, कैसे बदला दिल का मौसम चाहे घटा है। बहुत ही अच्छे शॉट थे वो, जिसमें हाफ फेस दिख रहा था, आईज का क्लोजअप दिख रहा था, तो वीडियो टीम ने काफी अच्छे तरीके से दिखाया कि द गाय इज जस्ट हुक्ड है ना टू द गर्ल है ना, कभी आंखें कभी जो भी। तू जो है मेरे संग दिल की ये कहानी, मैंने तो सिर्फ तुमको है ये सुना। क्यों ये वीडियो क्यों हर दूसरे लड़के की कमजोरी दिखा रहा है कि जहां उसकी नजरें अटकी वहां से जो है उसकी अपनी कहानी बननी शुरू हो गई अपने दिमाग में। ये कहानी मैंने तो सिर्फ तुमको है ये सुनानी, तू न जाने किन ख्यालों में रहने लगी है। ऑनेस्टली मैंने फर्स्ट टाइम उमेर को हंसते हुए या स्माइल करते हुए देखा, मैंने इस आदमी को हमेशा सीरियस ही देखा है खाली। पता ना मेरी ये कभी बुलाना, याद आए तो बुलाना। बहुत प्यारी सिंगिंग है यहाँ पे अब्दुल की। मंतज़र है हम यहाँ, मंतज़र है हम यहाँ। अच्छा सच सच बता रहा, क्या तो ऐसा कभी ऐसा होगा कि तुम्हारी कोई एक ऐसी शॉप थी जहाँ पे कोई एक लड़की काम करती थी, और उस लड़की की कन्या की वजह से तुम उस शॉप को जो तो दिन में 2-3 बार विजिट कर लेते। तो मेरे घर के पास एक शॉप थी, उसमें 2 सिस्टर्स थी है ना, शॉपकीपर थी, बट दे वर सो प्रिटी, और वो हमारी एज की थी, तो हम उनके बाद 2-3 बार चले जाते थे 1-1 रुपए की च्युइंगम खरीदने। मंतज़र है हम यहाँ, अरे जो दिल तो मुस्कुराना। ये एनिमेटेड वर्ल्ड उसकी सपनों की दुनिया है जहाँ पे वो ये इमेजिन कर रहे हैं। नाइस। याद आए तो बुलाना, मंतज़र है हम यहाँ। मुझे क्या चीज अच्छी लग रही है, एनिमेशन का जो मॉडर्न एनिमेशन इस गाने में दिखाया है ना, जो वो इतना मॉडर्न है कि वो लग रहा है कि आज के जमाने का एनिमेशन है, विच इज नॉट मेकिंग इट लुक क्रिंज। वरना कई बार ऐसा होता है ना कि जब इस टाइप के वीडियोज में तुम एनिमेटेड भी एक चीज दिखाते हो ना, तो लगता है भैया दोनों चीजें सिंक नहीं कर रही है, बट हेयर लुक एट द एस्थेटिक्स एंड एवरीथिंग है ना, मैनरिज्म ऑफ द मैनरिज्म है ना जो भी है भाई है ना, बहुत बढ़िया लग रहा है। कॉफी में उनके फेस दिख रहे हैं, और यार क्या क्या सोचा है टीम ने भाई, निरूपना इनका कैसे करूं बताव, कहीं ये मेरे हरगिज नहीं, इनमें खूबियां दिखती तेरी मुझको खूबियां, मेरी जवाब नहीं से तुम कर यही गुजारिश है रहती मेरी, वादे ओ दो यार क्यों ना मैंने साथ।
व्हाइट रोजेस लाया था, वो पिंक और रेड भी नहीं लाया था यार। और जिस दिन लाया बंदा उस दिन उसने क्या देख लिया। ओए यार सारे तू भी बोली नारे, तू भी बोली नारे। कितना बढ़िया तरीके से दिखाया। देखो ये भी दिखा रहे हैं, वो डार्क फेस भी है बट बहुत डार्क नहीं दिखाना था, इस वजह से एनिमेशन जिस तरीके, आई जस्ट लव इट मैन। द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉन्ग इज जस्ट सो ऑन पॉइंट भाई, है ना, मस्त। बीट बनाने लगा यार वो। बैक टू रेगुलर। मेरी ये कभी बुलाना, याद आए तो बुलाना। और ये बुके पड़ा हुआ है वही पे। म्यूजिक ही एस्केपिज्म है भाई। दिल तो मुस्कुराना, याद आए तो बुलाना, मुंतजर है हम यहाँ, मुंतजर है हम यहाँ। डोंट टेल मी वो उसको पहचान भी नहीं पाएगा। अच्छा दे बिकेम फ्रेंड्स क्या इन द एंड? वो टुपाक की टी-शर्ट पहने हैं, ग्रीन फ्लैग। मुझे क्यों बीच में लटका दिया यार, मुझे एक कंक्लूजन तो दे देते मेरे भाई यार, मुझे बता तो देते कि इनके में गुलाब खिले या फिर पहले उजड़ गए घर। अबे यार डैम भाई यार, यार बता रहा तो चाहिए था, इतनी ओपन एंडिंग एंडिंग नहीं करनी चाहिए थी। ओके ऑल राइट, बट द गुड पार्ट इज दैट द वीडियो इज वेरी वेरी यूथफुल, ठीक है, बहुत आज के जमाने का वीडियो लग रहा है। एंड जब उसको टीनेजर्स देखेंगे तो वीडियो को बहुत रिलेट करेंगे। टीनेजर्स के एनीबॉडी हु इज इन लव और हु लाइक वॉचिंग, है ना, इस टाइप का प्यारा सा रोमांटिक चीज़ें, है ना, वो इस वीडियो से बहुत रिलेट करेंगे। बहुत बहुत सुंदर सा वीडियो था ये। कॉफ़ी शॉप वाला कॉन्सेप्ट तो हमेशा से ही एक स्पेशल प्लेस है, बहुत ही ज़्यादा कोजी एंड वार्म फीलिंग आती है ऐसे वीडियोस देख के। एंड लेकिन एंडिंग को अगर ओपन एंडेड ना रखा जाता तो यार ज़्यादा सही रहता। बता तो देते हुआ गया यार एंड में, व्हेन दे वर लाइंग ऑन द ग्रास एंड इन द गार्डन, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई इन लोग का हो गया सीन सेट है, बोले तो मतलब, है ना। लेकिन बाद में फिर ये हो गया कि नहीं, ही वॉज जस्ट इमेजिनिंग या जो भी, अब बट गाना अच्छा था, वीडियो बहुत प्यारा बनाया था। एंड स्पेशली द एनिमेशन पार्ट, आई जस्ट लव इट। ना जिस तरीके से उन्होंने दोनों दुनिया को दिखाया है एनिमेशन के थ्रू, वो बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही क्रिएटिव था। एंड गुड जॉब मैन, गुड जॉब थीम, है ना, गुड वन, है ना। लाइक जितना अच्छा गाना था, आई एम रियली हैप्पी कि इस गाने को बस समुंदर किनारे शूट करके नहीं खत्म कर दिया गया, है ना, क्योंकि मुझे देखना, मुझे स्टोरीज चाहिए यार, मुझे सेट्स देखने, मुझे स्टोरी चाहिए, मुझे कुछ विजुअल एंगेजमेंट चाहिए, रादर देन वो बस वो इन द एबिस ऑफ ना डार्कनेस वाली चीज़ नहीं पसंद आती है, तो और भी चीज़ें चाहिए, है ना। मुझे गाना बढ़िया लगा, तुम लोग गाना कैसा लगा, कैसा नहीं लगा वो बताओ। एंड रियली रिफ्रेशिंग की ये गाना, मैं काफ़ी टाइम बाद सुन रहा हूँ। लाइक एल्बम आई थी उसके बाद मैंने काफ़ी बार एल्बम सुनी, लेकिन आई थिंक अभी गैप हो गया था अराउंड लाइक 20-25 दिन का गैप हो गया था गाना सुने, तो हाँ ये गाना फिर से प्ले लिस्ट पे जगह तो बनाई लेगा, है ना। गाना है यूस लाइक एंड या एवर ग्रीन सॉन्ग है भाई, एवर ग्रीन है ये गाना, कभी पुराना नहीं होने वाला ना, इस टाइप के गाने कभी पुराने, गानों की उम्र नहीं होती, ये हमेशा जवान ही रहते हैं, तो ये वो वाले गाने हैं ना, जो भी रिलेट कर पाए उसका गाना है। तो गाना तुम लोग कैसा लगा कमेंट्स बताओ, इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते हो कर लो, आईडी के नाम @ofakinobye। पीस।